ब्रुनेलिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में देखिए ये आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। ऐसे लग रहा है कि देखिए किस तरीके से बातचीत यहां पर हो रही है ब्रुनेई के साथ, जो हिंदुस्तान के रिश्ते हैं। और ये रिश्ते और प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का जो विजिट है ब्रुनेई का किस लिहाज से ये खास है। ये कहा जा रहा है कि डिफेंस की बात करें, एनर्जी की बात करें, ट्रेड की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे चार अहम मुद्दों और वजहों की वजह से ही इस लिहाज से भारत के लिए ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ब्रुनेई का ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंध भी बेहद खास है। ब्रुनेई में रहने वाले भारतीय वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ब्रुनेई भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत जब सैटेलाइट्स लॉन्च करता है तो उनकी ट्रैकिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं और इसी के मद्देनज़र भारत ने ब्रुनेई के साथ 2018 में एक MOU भी साइन किया था। इसे कॉपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट नाम दिया गया था। अभी की बात करें यानी कि वर्तमान में ये स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम कर रहा है और इस लिहाज से ब्रुनेई की अहमियता इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बदले में भारत ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित ट्रेनिंग भी दे रहा है, यानी कि दोनों ही जो देश हैं उनके हितों को यहाँ पर साधा जा रहा है। अब आप देखिए ब्रुनेई की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की 80% की अगर बात करें तो ये तेल से और नेचुरल गैसेस से वो कमाता है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी वो करता है जिससे उसे पैसा मिलता है और बाकी जगह वो उसको इन्वेस्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो तेल और नेचुरल गैस पर ही डिपेंडेंट है, उसके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं जिन पर वो काम करता रहा है। छोटा देश है लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक सशक्त देश आप बता इसको सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था, यानी कि ब्रुनेई बुलाया गया था पिछले साल जब विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी गए थे डेलीगेशन के साथ ब्रुनेई, तो वहाँ पर उन्होंने विदेश मंत्रालय की एक बैठक में भाग लिया था और फिर आमंत्रित प्रधानमंत्री को किया गया था। शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ यह है, इस पर बधाई। ब्रुनेई को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई ब्रुनेई की यात्रा करने का मौका मिला है और हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारे संबंधों को दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। अभी अभी आपने सुना प्रधानमंत्री को, और जो दोस्ती की यात्रा या ये कह लीजिए कि जो एक रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा और प्रधानमंत्री की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। दोनों देश कैसे आगे बढ़ें, तमाम जो वहाँ पर भारतीय हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का ब्रुनेई जाना कितने उनके लिए सौभाग्य की बात है। जैसे कि हमने कहा कि देखिए, जब पिछले साल विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी वहाँ पर गए थे डेलीगेशन लेकर, तो उस वक्त उन्होंने एक बैठक में हिस्सा भी लिया था और तब दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने पर एनिवर्सरी मनाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे। और प्रधानमंत्री इस खास मौके पर आज ब्रुनेई में मौजूद है। वहां से प्रधानमंत्री को आपने सुना जिन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, और प्रधानमंत्री ने यह बताया कि किस तरीके से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत हों। सदियों पुराने ये संबंध हैं, चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, एनर्जी की बात कर लीजिए, ट्रेड की बात कर लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, ये वो अहम वजह है जिनके लिहाज से भारत के लिए ब्रुनेई बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है। अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे, हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। साथियों, हमारे पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। कल भारतीय राजदूतावास के लोकार्पण से भारतीय समुदाय को एक स्थायी एड्रेस मिला है। भारतीय समुदाय के कल्याण और हितों की देखरेख के लिए हम मैजिस्ट्री और उनकी सरकार के आभारी हैं। साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। योर मैजिस्ट्री, भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं। आज हमारे ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक बार फिर मुझे दिए गए सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपके शाही परिवार के सभी सदस्यों और ब्रुनेई के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तीसरे कार्यकाल में ब्रुनेई की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपके और ब्रुनेई के लोगों को बधाई। द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ। साथ ही साथ ये कहते हुए कि हम भावनाओं का सम्मान करते हैं, इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आलोचना भी की और ये कहा कि हम विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की पॉलिसी पर यकीन करते हैं। ब्रुनेई में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और आज ही होगी सिंगापुर के लिए रवानगी।